हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम दोबारा बात करने वाले हैं कभी कभी इत्तेफाक से के बारे में, जो कि स्टार प्लस का नया अपकमिंग शो है। तो गाइज, इसकी टाइम स्लॉट के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी सबसे लेटेस्ट वीडियो जो मैंने इस पर रिसेंट वीडियो बनाया था इसकी टाइम स्लॉट पर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्टार प्लस इस शो का जो डिसीजन है वो लेने वाला है, आई मीन डिस्कस वगैरह कर रहा है, और उसका 90% डिसीजन वो ऑलमोस्ट बना चुके हैं और वो ही कन्फर्म होने वाला है काफ़ी जल्दी। तो ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टार प्लस की कौन से ज़्यादा टाइम स्लॉट चेंजेस वगैरह आने को देखने को आपको मिल सकती हैं, कि वो 90% वही सब टाइम स्लॉट्स होंगी, ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो मैं 90% इसलिए बोल रहा था बिकॉज स्टार प्लस ऐसा चैनल है जो कि लास्ट मोमेंट पे अपने डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा बार चेंज करता है, इसी करके मैं 90% बार बार बोल रहा था अपने पिछले वीडियो में। तो देखो, मैं बोल रहा था तो और वही हुआ, तो फिर से स्टार प्लस ने अपना जो माइंड है उसको चेंज कर लिया है, और उस चीज़ के कारण इन शोज़ की जो टाइम स्लॉट उन्होंने डिसाइड करी थी वो भी दोबारा से अफेक्ट हो सकती हैं। पहले तो बात करें कि कल मैंने जो टाइम स्लॉट्स आपको बताई थी वो ये थी कि सबसे ज़्यादा जो चांस है वो यही लग रहा है कि कभी कभी इत्तेफाक से 9 बजे की टाइम स्लॉट लेगा, और उसके बाद साथिया 2 जो है वो 7 बजे की टाइम स्लॉट लेगा। 7 बजे पे आता है ज़िंदगी मेरे घराना, और ज़िंदगी मेरे घराना जो है वो लेगा 6 बजे की टाइम स्लॉट। ये मैंने आपको कल के वीडियो में परसों के वीडियो में बताया था। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि ज़िंदगी मेरे घराना लेगा चीकू की मम्मी दूर की स्लॉट, लेकिन अब सबसे बड़ा चेंज जो है वो यही आ चुका है। सबसे बड़ा अपडेट ही ये है कि स्टार प्लस ने चीकू की मम्मी दूर की को ऑफ़र करने का डिसीज़न ही चेंज कर दिया है। तो चीकू की मम्मी दूर की, जो कि पहले ऑफ़र जाने वाला था, 7 जनवरी को बंद होने वाला था, पूरी कास्ट वगैरह को भी इन्फॉर्म कर चुकी थी स्टार प्लस वाले, लेकिन स्टार प्लस ने अब दोबारा नोटिस भेज दिया उन्हें कि 3 मंथ्स की एक्सटेंशन शो को मिल चुकी है। इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चीकू की मम्मी दूर की जो ऑफ़र जा रहा था वो अब ऑफ़र नहीं जा रहा है, और उसी के कारण ये जो डिसीजंस उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिए थे इन पर भी इफेक्ट पड़ गया। तो वो इफेक्ट ये है कि ज़िंदगी मेरे घर आना, जिसको 6 बजे की टाइम स्लॉट पे कर देने वाले थे, अब वो कहाँ जाएगा, बिकॉज चीकू की मम्मी तो ऑफ़र नहीं जा रहा। क्या अब ज़िंदगी मेरे घर आना को ऑफ़र करेंगे, या फिर ज़िंदगी मेरे घर आना को 5:30 पे भेजेंगे, या फिर कहाँ भेजेंगे, वो अभी के लिए कुछ भी नोन नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो डिसीज़न वगैरह ऑलमोस्ट ले ही लिया था इन्होंने 90% का, ये स्लॉट्स की शफलिंग का, ये दोबारा से होल्ड पर पड़ गया है, और फिर से डिस्कशंस वगैरह इस पर स्टार्ट हो गई हैं कि कभी कभी इत्तेफाक से, साथिया 2, ज़िंदगी मेरे घर आना, ये तीनों शोज़ का क्या करा जाए, कौन सी टाइम स्लॉट कौन किसको दी जाए। ये सब दोबारा इस करके हो गया बिकॉज जो चीकू की मम्मी दूर की पहले ऑफ़र जाने वाली थी, यानी कि स्लॉट एक फ्री होने वाली थी, वो फ्री नहीं हो रही है, और चीकू की मम्मी दूर की को 3 महीनों की एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो वो तो चलता रहेगा, तो ज़िंदगी मेरे घर आना कहाँ जाएगा। तो ये सब चेंजेस के कारण ये जो उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ कर लिए थे ये टाइम स्लॉट्स, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं वो क्या फाइनलाइज़ करते हैं दोबारा इस पर। जो भी वीडियो जो भी इन्फो होगी उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए स्टार प्लस के फैंस के साथ। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन से टाइम स्लॉट किसको मिलेगी। वैसे स्टार प्लस ने जो डिसीजन लिया था, जो मैं 90% आपको बता रहा था, वो ऑलमोस्ट सही थे, सारा कुछ, सारे टाइम स्लॉट्स वगैरह सही ही लग रहे थे, और वैसा ही डिसीज़न उन्हें दोबारा लेना चाहिए। कभी कभी इत्तेफाक से 9 बजे के टाइम स्लॉट पे और साथिया को 7 बजे की, आई थिंक ये काफ़ी एक्यूरेट हैं TRPs वगैरह के इंक्रीज़ के लिए। तो गाइज़, ये था इस वीडियो में। इस पे और सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप किसी भी स्टार प्लस अपडेट को मिस ना करें। इस शो पर जो भी और अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।